करीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको बताता चलूँ कि लाहौर में जो है वो जगह जगह कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन टाइप का सील करने का ऐलान कर दिया है। जैसे अंदरून जो पाटिल वारी और ये अंदरून शहर है और जौहर टाउन जो है इस तरह के इलाके गुलबर्ग को सील किया जा रहा है, और जो है कुछ इलाके जीटी रोड वाली साइड पे, कुछ इलाके मुगलपुर वाली साइड पे, कुछ इलाके जो है कैंट वाली साइड पे और कुछ इलाके मॉडल साइड वाली साइड को सील किया जा रहा है। तो यानी कि वहाँ से ना लोग निकल सकेंगे बाहर, ना वहाँ पे कोई दाखिल हो सकेगा, कुछ ऐसा उन्होंने सिस्टम करने का। रात 12 बजे के बाद ये सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो आपको बताता चलूँ, जो कुछ आपने अगर इस इलाकों से गुलबर्ग को सील किया जा रहा है, अगर गुलबर्ग में कोई आपने यानी कि लॉकडाउन ही हो गया ना एक किस्म का, ना दाखिल हो सकता ना जा सकता ना कारोबार खुलेगा, तो ये अभी देखेंगे कल नोटिस क्या क्या जारी होता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लाहौर के लिए ऐलान कर दिया, उधर सिंध की हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया आज रात 12 बजे के बाद मुकम्मल लॉकडाउन की इजाज़त दे दी, बल्कि उन्होंने यहाँ तक मुकम्मल लॉकडाउन करने की जो हुक्म दे दिया। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि सिंध में जो भी लोग हैं वो अब बेफजूल बाहर भी नहीं निकल सकते बग़ैर इजाज़त के, यानी कि अगर कोई काम ज़रूरी काम नहीं है तो वो बाहर भी निकलना वो उन्होंने सख्ती से मना किया, उसके ख़िलाफ़ जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा उनका कहना है। बहरहाल अपना ख्याल रखें, कुछ अपडेट्स थी मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। लाहौर में काफ़ी इलाकों को सील किया जा रहा है, जिसमें से मेन इलाके गुलबर्ग है, पूरे गुलबर्ग को सील किया जा रहा है, उधर से शादमान को सील किया जा रहा है, अंदरून शहर को सील किया जा रहा है, जौहर टाउन को, वापदा टाउन को, इन इलाकों को और रायबंड वगैरह को, इनको सील किया जा रहा है। उसके अलावा और भी इलाके हैं, उसका शेड्यूल जारी हो जाएगा कल रात 12 बजे के बाद। अपना ख्याल रखें, अस्सलामु अलैकुम।